हेलो ऑल मैंगो लवर्स, वेलकम टू द होम शेफ। मैं हूँ पिंकी और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आम से बनने वाली दो टेस्टी ड्रिंक्स। एक तो है हमारी ऑल टाइम फेवरेट मैंगो शेक। जी हाँ, मैंगो शेक तो हम सबको पसंद होता है। और दूसरी ड्रिंक है पुणे स्पेशल मैंगो मस्तानी। अगर आप भी मेरी तरह मैंगो लवर है तो आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें इसमें तैयारी एक करनी है और हमारी दोनों रेसिपी रेडी हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 मैंगोज लिए हैं, इन्हें हमें कट करना है। कट करने के लिए मैंने यहाँ पर दो मेथड्स दिखाए हैं। फर्स्ट मेथड में आपको मैंगो का एक पीस ले लेना है और उसमें इस तरह से स्क्वायर कट्स लगा के एक स्पून से स्कूप आउट कर लेना है। और दूसरा मेथड है कि पहले आप मैंगो को पील कर लीजिए। पील करने के लिए आप पीलर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैं यहाँ नाइफ से ही कर रही हूँ। उसके बाद इसमें आप स्क्वायर कट्स लगाइए और नाइफ से ही हम इसे कट कर लेंगे, कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से मैं बाकी के मैंगो भी कट कर लूँगी। टोटल मैंने यहाँ पर 2 मैंगोज लिए हैं, जिसमें से 1.5 मैंगो का मैं पल्प यूज़ करूँगी और बाकी हाफ मैंगो के इस तरह से हम पीसेस का ही यूज़ करेंगे सर्व करते टाइम। आप कोई भी मैंगोज ले सकते हैं इसके लिए, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पर सफ़ेदा आम लिया है। देखिए, अब मैंने यहाँ पर 1.5 मैंगो का पल्प ले लिया है। इसकी हमें प्योरी रेडी करनी है, तो इसके लिए मैंने इसे शिफ्ट कर दिया है एक मिक्सर जार में। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून ली है, यानी कि 2 बड़े चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी क्रश्ड आइस और इसे ब्लेंड करके हमें एक इसकी स्मूथ प्योरी रेडी कर लेनी है। अभी हम इसमें मिल्क ऐड नहीं करेंगे। मिल्क पहले ऐड करने से मैंगो के चंक्स रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए, मैंने एक स्मूथ प्योरी रेडी कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पर चिल्ड लिया है, 1 ग्लास दूध है, यानी कि करीब 250 ml के करीब दूध है ये। दूध आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना थिक मैंगो शेक आपको पसंद हो उसके हिसाब से। तो फिर से इसे ब्लेंड कर लेंगे और देखिए, हमारा थिक मैंगो शेक रेडी है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैं पहले ग्लास में डाल रही हूँ मैंगो पल्प। जो हमने मैंगो प्योरी रेडी की थी वही मैंगो प्योरी है ये, मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जस्ट मैंने इसीलिए डाला है कि 2 कलर के शेड आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से हम डाल देंगे हमारा थिक मैंगो शेक। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना ये। और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर डाले हैं कुछ मैंगो पीसेस और रूह अफ़ज़ा। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो एंजॉय कीजिए यम्मी यम्मी थिक मैंगो शेक। तो चलिए अब बना लेते हैं मैंगो मस्तानी। इसके लिए भी हमें ग्लास में पोर करना है मैंगो शेक, लेकिन अभी हम ग्लास को पूरा फिल नहीं करेंगे, सिर्फ 1/3 तक ही इसे डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए मैंगो के पीसेस और डाल देंगे हम थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर बादाम और पिस्ता लिया है। और साथ ही में हम डाल देंगे इसमें 1 स्कूप आइसक्रीम, मैंने यहाँ पर वनीला आइसक्रीम ली है। आप चाहें तो मैंगो आइसक्रीम भी ले सकते हैं, बट वनीला का टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से और मैंगो शेक पोर कर देंगे और लास्टली हम इसमें डाल देंगे 1 स्कूप आइसक्रीम का और फिर से हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है। थोड़े से मैंगो के पीसेस और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। आप अपनी मर्जी से इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इस पे डाल रही हूँ थोड़ी सी कलरफुल टूटी फ्रूटी, ये देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो रेडी है हमारी मैंगो मस्तानी। आप सोच रहे होंगे कि इसे खाना है या पीना है। वेल, दोनों ही काम करने हैं, आइसक्रीम को खाइए और शेक को पीजिए। तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल फ्री है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।